हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रे आर्टिस्ट। दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड दिस इज कोमल सिंह सीरा। और मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। तो हमने इतने दिनों से दोस्तों वीडियो नहीं बनाई थी, हमारे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आई थी, तो उसके पीछे एक रीज़न था। और वो रीज़न ये था कि मतलब हमारे घर में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हमारे घर में मतलब मेरे मामा की, जो सगे मामा है, उनकी डेथ हो गई है। जो अभी हमने एक रिसेंट थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि हमारे घर आई एक नन्ही परी, तो जो बेबी जिनका हुआ था मतलब उन्हीं मामा की मेरे डेथ हो गई है। और मतलब जिस दिन हुई थी उस दिन हम बॉम्बे में थे। मतलब मेरी मॉम ने मुझे उस रिगार्डिंग बताया नहीं था, ये बताया था कि मामा की तबीयत ख़राब है, ये नहीं बोला था कि मतलब इतनी तबीयत ख़राब है, क्योंकि फिर मैं बॉम्बे में था और मम्मी मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। बट नेक्स्ट डे फिर जब मुझे मेरा कॉल आया मेरे बड़े भाई का, तो वो रो रहा था, तो मुझे कुछ सेंस हुआ कि कोई चीज़ गलत हुई है। तो फिर उसके बाद मेरे को, कोमल को, दोनों को समझ नहीं आया कि हम यहाँ बॉम्बे में क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, काम हमें पूरी ज़िंदगी करना है, और इस टाइम पर मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने जैसे तैसे हैपहैज़र्डली जो भी हमें समझ आया, हम अपना घर हमने जैसे तैसे बंद किया, और अगले 1-1.5 घंटे में हम वहाँ से पैकअप करके निकल गए जल्दी जल्दी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मतलब जो हमें तो पता भी नहीं अभी घर कैसे हमने ठीक से बंद करा भी है कि नहीं। मतलब उस टाइम हम बस भागे, फिर हम यहाँ घर आए, और फिर घर पर आके, क्योंकि अभी इस वक्त मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। काम तो देखो करना ही है, और काम तो लाइफ गोज़ ऑन वो तो कहते ही हैं, बट ठीक है, जब अभी आना था तो आना ही था। एंड सो हमने किया, फिर हम दिल्ली आ गए हैं। एंड अभी हम इतने दिनों में इन्हीं रिचुअल्स में बिजी थे। तो अभी हमारे को खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अभी जैसे क्लैरिटी नहीं है हमारे को, बट हम फिगर आउट कर रहे हैं एंड हम फिगर आउट कर लेंगे। बस ये है कि जैसे हम अभी इनिशियली डेली व्लॉग डाल रहे थे, तो अब हम थोड़े दिन डेली व्लॉग नहीं डालेंगे, वीडियो डालेंगे बट डेली व्लॉग नहीं डाल रहे अभी, क्योंकि उस टाइप का हमारा मन भी नहीं है। और अभी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है। देखो मैं बातें भी बार बार रिपीट कर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि हम इतने दिन से हम आए नहीं थे, हमने कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो यही बात आपसे मुझे शेयर करनी थी। और अभी हम मैं दिल्ली में हूँ, अपनी फैमिली के पास हूँ, क्योंकि मेरी मॉम के छोटे भाई थे वो, और मतलब सगे भाई थे। तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं, और मेरा होने से उनको एक शोल्डर मिलता है, तो फिर मैं इसलिए आया। बड़ा भाई मेरा है ही यहाँ पे, बट बड़ा भाई भी फिर रहता है, वो खुद भी बेचारा, क्योंकि मेरे जो मामा थे वो मेरे भाई के क्लोज थे, तो फिर मतलब हम इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। और फिर अब कोमल वहाँ पर है, तो इसलिए डेली व्लॉग भी नहीं कर सकते अभी। तो हम करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ, क्योंकि अभी कोमल तो थोड़े दिन तक नहीं आएगी। तो आप लोगों से मुझे यही शेयर करना था। मैं अभी बीकानेर में हूँ, और हम आपको जूम कॉल पे ये चीज़ नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि जैसे कि रणधीर ने अभी आपको बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस मैसेज था। तो मैं अपनी जगह से ये वीडियो बना रही हूँ, और रणधीर अपनी जगह से ये वीडियो बना रहा है। जब हम दिल्ली आए, उसके बाद मेरी फैमिली में मेरा भाई भी बीमार हो गया, और उसको डेंगू हो गया, और वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया था, इसलिए मुझे भी यहाँ पे आना पड़ा। और अब फिलहाल मेरी दीदी और मेरी मम्मी को भी डेंगू हो चुका है, मेरा भाई रिकवर कर चुका है। सो मेरी भी आवाज़ से आपको थोड़ा पता लग रहा होगा कि मुझे ज़ुकाम और हल्का हल्का गला ख़राब जो भी है। तो मैं यही बात है कि जब हमारी फैमिली को नीड थी तो हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि फैमिली से ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है। हमने ब्लॉग्स भी इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि हम फटाफट भाग के आए थे वहाँ से, जो भी सिनेरियो था हमारा तब दिमाग नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। और अभी मैं यहीं पे रहूँगी नवंबर एंड तक, क्योंकि नवंबर एंड में मेरी जो कज़न है उसकी शादी है, सो मैं वो अटेंड करने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम ब्लॉग्स अच्छे से बना के यहाँ पे डाल सकें वो डाल सकें। फिलहाल हम डेली ब्लॉग तो नहीं करेंगे, सो बस यही बात है। और मैं सचमुच उनको थैंक यू करना चाह रही हूँ, जो कि हमारे लिए मतलब वरी कर रहे थे कि हम लोग कहाँ पे हैं, वीडियो क्यों नहीं आई, एवरीथिंग ऑल राइट, उन सबको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। क्योंकि हमें भी पता था कि हमें वीडियो डालनी है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम ये सारी चीज़ में ऑक्यूपाई थे। अब हमें जब टाइम मिला तो हमने आपको वीडियो बना के बताई है, लेकिन मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी वरी थे। तो आई होप आपको बात तो ऑब्वियसली समझ आएगी होगी। इसीलिए हम अपने सब्सक्राइबर से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं और उनको पता रहता है कि कुछ शायद कुछ गलत ना हो गया हो, कि एवरीथिंग ऑल राइट। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सबको। तो यही था दोस्तों अपडेट। ओके गाइज, we will see you in the next one. तब तक के लिए where do we go now?